हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर यूपी करियर 2024 के लिए जो हमने जीएस की टेस्ट सीरीज शुरू की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसका जो है आपका पार्ट टू है। माफी चाहूंगा आप लोगों से क्योंकि मैंने इसका जो पहला पार्ट किया था अपलोड वो काफी समय पहले किया था, और आज जो है यहाँ पर मैं काफी समय के बाद सेकेंड पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। बट अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो है डेली बेसिस पे आपको इसके नेक्स्ट पार्ट इसको प्रोवाइड करा करूँ। इनके पीडीएफ आपका हमेशा की तरफ आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो टेलीग्राम पे आप जुड़िए, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस है। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे जाकर के भी आप देख सकते हैं कि जीएस के जो है आपके प्रीवियस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। शुरू करते हैं वन बाई वन, और आपकी स्क्रीन पर आ रहा है पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उसका हमें कमेंट करेंगे। बाकी पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और इसका आप लोग हमें जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। देश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? विच सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी? तो अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान जो है किस क्षेत्र का रहा है? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा तो आपका एग्रीकल्चर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है एग्रीकल्चर, ये आपका ध्यान रखना है। जो सर्विस वाला होता है आपका कौन सा होता है? थर्ड वाला होता है। जो एग्रीकल्चर आपका पशुपालन मत्स्य सब आपके पहले वाले होते हैं, यानी प्राइमरी जो सेक्टर है उसमें आते हैं। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, और जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। इब्न बतूता किसके दरबार में भारत आया था? इन हुज कोर्ट, हुज लिखा, ठीक है, हुज कोर्ट डीड इब्न बतूता कम टू इंडिया? देखो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इब्न बतूता किस देश का था। तो इब्न बतूता कहाँ का था भैया? मोरक्को का। ठीक है, ध्यान रखना है, देश का नाम याद रखना है, मोरक्को। मोरक्को रबात दिरहम, यानी रबात इसकी राजधानी है और दिरहम यहाँ पे करेंसी चलती है। ठीक है, रबात, रबात यहाँ पे राजधानी। एक किसके दरबार में आया था आपसे ये पूछा जा रहा है? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, मोरक्को और स्पेन आपका यहाँ पे बनाती हैं, यानी अलग करती है इनको, कौन करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि, इस चीज का आपको ध्यान रखना। जो जो दास्थान आते हैं, दो स्थान कौन कौन से, मोरक्को और स्पेन, इनको जो अलग करने का काम करती है कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि करती है। ठीक है, ध्यान रखना। मगहर किस महान व्यक्तित्व से संबंधित है? मगहर इज रिलेटेड टू विच ग्रेट पर्सनालिटी? तो भैया मगहर की बात की जा रही है, मगहर जो है किससे जुड़ा हुआ स्थान है उसकी बात की जा रही है। तो ये मगहर जो है कबीर दास से जुड़ा हुआ स्थान है। क्यों? क्योंकि कबीर दास की जो यहीं पर डेथ हुई थी, तो कबीर दास ने यही कहा था कि भैया अगर जो है भगवान मुझे स्वर्ग देंगे, चाहे मैं मगहर में मरू चाहे काशी में मरू, मुझे स्वर्ग पहुंचाए अगर मेरे कर्म अच्छे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि मैं काशी में ही आकर के मरू। अगर मुझे स्वर्ग भेजना है तो मैं मगहर में मरूं तब भी भेजिए, तभी तो माना जाएगा कि नहीं भगवान है। तो इनके डेथ जो है कहां पे हुई थी? मगहर में हुई थी, ध्यान रखना, कबीर दास। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, और इसका आप लोग उत्तर करेंगे कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। अटाला मस्जिद कहां है? वेर दी अटाला मस्जिद? तो अटाला मस्जिद की बात करेंगे, यहाँ पे जो है अटाला देवी मस्जिद के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि अटाला देवी जो है आपका ये मंदिर था, एक उसी मंदिर को तोड़ करके बनाया गया है, तो अटाला देवी मस्जिद होती है। ठीक है, कहाँ पे? जौनपुर में है, इस चीज का ध्यान रखना है। जौनपुर को जो है पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, ध्यान रखना, पूर्व का सिराज। इसकी स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस शहर को बसाया गया, फिरोज शाह तुगलक, ध्यान रखना है। इसने किसके नाम पर बसाया था? तो जौना खान, इनके बड़े भाई थे जौना खां, उनके नाम पर इस शहर की स्थापना की गई। ठीक है, ध्यान रखना, किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर को बसाया था। ये किस नदी के किनारे है? तो गोमती के किनारे है। अगला प्रश्न, नौसेना दिवस कब मनाया था? विन इज इंडियन नेवी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी भारतीय नौसेना दिवस की बात की जा रही है, इसको कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जब बात करेंगे भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना।
15 जनवरी को क्या होता है? आर्मी डे होता है, यानी हमारे जो आपका थल सेना है उसकी बात की जा रही है, आर्मी डे। ठीक है, ध्यान रखना है। और जो 8 अक्टूबर होता है वो क्या होता है? उस दिन एयरफोर्स डे होता है, यानी वायु सेना दिवस जिसको कहते हैं हम लोग, वायु सेना दिवस। और 7 अप्रैल जो है वर्ल्ड हेल्थ यानी विश्व है स्वास्थ्य दिवस की बात की जा रही है, वर्ल्ड हेल्थ डे आपको मनाया जाता है कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है, प्रेजेंटली द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर। देखो अभी तो ये चेंज होने वाला है, बट आपका एग्जाम जो है यहाँ पे जब तक आएगा तब तक ये जो है क्वेश्चन पेपर आपके बन चुके होते हैं, इसलिए आपको ये पुराने वाले ही याद रखने हैं, बाकी आपको देख लेना है। लेकिन अभी जो करंट में यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर से कितने हैं? 545 है। ध्यान रखना, मतलब टोटल जो मैक्सिमम हो सकती है, अधिकतम जो संख्या हो सकती है कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है, जिसमें से करंट में कितने हैं? 545 है। पहले क्या होता था, दो एंग्लो इंडियन को चुना जाता था, ठीक है, कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र से दो एंग्लो इंडियन को यहाँ पे नियुक्त किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा, अब इसको हटा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का भी। ये जो 250 लिखा है क्या है? राज्यसभा में अधिकतम संख्या। ठीक है, राज्यसभा में जो सदस्य बनेंगे उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हैं? राजा रवि वर्मा इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो राजा रवि वर्मा जो है किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनकी बात की जा रही है, तो ये जो है चित्रकारी से जुड़े हुए थे, यानी ये चित्रकार थे, एक आर्टिस्ट थे। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का भी। ऐसे ही किसी भी पर्सन के बारे में, महान व्यक्तित्व के बारे में पूछ लेता है, तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट से हो जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपके कभी कभी ऐसे एग्जाम में नॉर्मली आ जाते हैं, तो उन पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा। चलिए, संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? द प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम की बात की, हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, यानी किस कंट्री के संविधान से इसको लिया गया? तो हमारे यहाँ जो संसदीय शासन प्रणाली है उसकी जब हम लोग बात करते हैं तो कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से लिया, जहां से हमने जो है कानूनी अपना नियम भी लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो हमारे यहाँ है उसका भी जो हमने, यानी मंत्रिपरिषद का जो कह सकते हैं सिस्टम हमने लिया कहाँ से? ब्रिटेन से लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका वो स्थान है जहां से हमने क्या लिया? मौलिक अधिकारों को लिया, मौलिक अधिकार। यहीं से हमने राष्ट्रपति का भी पद लिया है, कहां से लिया है? अमेरिका से ही लिया है। लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो हमने आयरलैंड से सिस्टम लिया है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा कहां से हमने लिया है? आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से आपका कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची की बात की जाती है। ठीक है, राज्यपाल भी वहीं से लिया गया है, कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। तो वीडियो को आपको बस केवल ध्यान पूर्वक सुनना है, अगर आप चाह रहे हैं कि नोट डाउन करना तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, तो बेस्ट हो जाएगा फिर आपके लिए। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हु वाज द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब पहले वाले जो थे उनकी बात की जा रही है, कौन थे आपका लिखा हुआ है। तो जो पहले वाले आपके थे वो कौन थे? सुकुमार सेन थे, यानी बी ऑप्शन। जो करंट में आपके हैं, प्रेजेंट में है, वो कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है, प्रेजेंट में आपके राजीव कुमार है। एडम स्मिथ वो पर्सन है जिन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा, इकोनॉमिक्स लिखा, ये भी पॉइंट आपके लिए याद रखना है। जीवी मावलंकर कौन है? आपका ये कह सकते हैं कि लोकसभा जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा का जनक कहा जाता है, लोकसभा का जनक कहा जाता है। आगे अगला पॉइंट, निर्वाचन की तिथि से कितने समय पूर्व चुनाव प्रचार का कार्य समाप्त हो जाता है? हाउ मच टाइम बिफोर द इलेक्शन डेट डज द इलेक्शन कंपिजन वर्क, मतलब जैसे कि जो अभी देखते हैं ना आपका गांव गांव में जो है घूम घूम करके, या गली मोहल्ले में घूम घूम करके लोग प्रचार करते हैं, भैया हमें वोट करिए, हमारी पार्टी को वोट करिए, फला खड़े हैं उनको वोट करिए, कई सारी चीजें रहती हैं। तो उस चीज के बारे में पूछा जा रहा है कि जो वोटिंग होती है कितने समय पहले बंद कर दी जाती है, तो आपका उसके लिए जो टाइम होता है कितना होता है? तो आपका 36 घंटे होता है, यानी 1.5 दिन पहले ही, मतलब बात की जा रही है उसको जो है बंद किया जाता है वोटिंग को। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का भी, 36 आवर।
अगला प्रश्न, और यहाँ पे जवाब करेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? देखो हमने इलेक्शन से ट्यूशन इसलिए भी लिए हैं, कह सकते हैं चुनाव से जुड़े हुए, क्योंकि अभी आपका यहाँ पे लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो हो सकता है चुनाव से रिलेटेड आपके प्रश्न आ जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ से प्रश्न को लिया है। तो बाकी आप एक बार ये भी दिमाग में आपके आ जाएगा, अच्छा चीजें यहाँ से बताई जा रही है, तो मतलब हो सकता है यहाँ से कोई पॉइंट छूट रहा है, तो उसको आप अपने से भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कोई भी पॉइंट आपका मिसिंग ना हो। तो ईवीएम को जो सबसे पहले प्रयोग किया गया 1982 में, कहाँ पे यूज किया गया? केरल में। केरल में जो है विधानसभा के इलेक्शन में इसका यूज किया गया था सबसे पहले। होता क्या है कि 1999 में हमारे देश में जो है, क्या कह सकते हैं, पूरे देश में चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो चाहे लोकसभा का, उसके बाद से हर जगह पे इसको अप्लाई किया गया। कहाँ पे? 1999 से ऑल इंडिया में हमारा इलेक्शन जो होने लगा ईवीएम के द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात की जा रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे उत्तर करेंगे सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो भाई इसको शेयर कर देंगे फटाफट मैक्सिमम लोग के पास, ताकि जो है काफी समय से सब इंतजार कर रहे हैं तो उनके पास पहुंच जाए एक बार। बेसों की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? विच दी कॉल्ड दी ब्रेड बास्केट ऑफ दी वर्ल्ड। वो होता क्या है कि इस क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा आपके जो है क्या उगाए जाते हैं, गेहूं उगाए जाते हैं, इसलिए इसको जो है आपका यहाँ पे रोटी की टोकरी के रूप में जाना जाता है। तो जगह कौन सी है? वो जगह आपकी प्रेरीज है, ठीक है। ये जो आपका घास के मैदान है उस चीज की बात की जा रही है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, जो उत्तरी अमेरिका वाला एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। सिल्वा से घास के जो मैदान है आपके ब्राजील, और पंपास ये दोनों वहीं पर आपके पाए जाते हैं, ठीक है। स्टेपी आपका, पंपास आपका अर्जेंटीना में पाया जाता है, सिल्वास आपका ब्राजील में पाया जाता है, घास के मैदान है। स्टेपी की बात करेंगे तो आपका जो एशिया वाला एरिया है वहां पे पाए जाते हैं ये घास के मैदान। मैनचेस्टर संबंधित है, मैनचेस्टर बिलोंग्स टू, तो मैनचेस्टर काहे के लिए फेमस? जैसे अभी आप हमेशा सुनते हैं भारत का मैनचेस्टर, पूर्वी भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो ऐसे आपके नाम आते हैं। तो मैनचेस्टर है काहे के लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए, ध्यान रखना है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। जब हम लोग बात करते हैं भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, तो ध्यान रखना भारत का मैनचेस्टर तब आपका नाम आता है अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर। जब हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी भारत का, उत्तर पूर्वी भारत का, तब किसका नाम आता है? कानपुर का नाम आता है। जब हम लोग बात करते हैं दक्षिण भारत की, तब नाम आता है कोयम्बटूर का, ठीक है, कोयम्बटूर। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपसे मैं पूछूं कि सूती वस्त्र की राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए मुंबई, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, द ओरिजिन प्लेस ऑफ द नर्मदा रिवर इज। तो नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, ध्यान रखना। त्र्यंबकेश्वर वो स्थान है जहां से गोदावरी का उद्गम स्थल होता है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमरकंटक से नर्मदा निकल करके कहाँ गिराती है अपना जल? अरब सागर में गिराती है, और इसी नर्मदा नदी पर ही जो है आपके कह सकते हैं कि साबरमती जो डैम है वहां पे आपके स्टेचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है 182 मीटर ऊंची जो है एक मूर्ति बनी, स्टैचू बना है। मंडी पहाड़ी नगर किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज मंडी पहाड़ी सिटी? हिली सिटी कह सकते हैं, उस चीज की बात की जा रही है, हिली सिटी, ठीक है, हिल वाला एरिया। तो मंडी जो है आजकल काफी चर्चा में भी चल रहा है, जहां से कंगना रानौत जो है आपकी कह सकते हैं कि सांसदी के लिए खड़ी हुई है, तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना है। कसौली भी आपका वहीं पे पड़ जाएगा। महात्मा गांधी वाले कागजी नोटों की श्रृंखला की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज दी सीरीज ऑफ दी पेपर नोट्स ब्रिंग महात्मा गांधी स्टार्टेड, यानी जो आज आप चित्र देखते हैं हर नोट पर हमारे महात्मा गांधी जी को,
राष्ट्रपिता को, नेशनल फादर जिनको कहा जाता है, उनकी जो हम चित्र देखते हैं यहाँ पे, तो इसको कब से स्टार्ट किया गया, इस बारे में आपका क्वेश्चन दिया है, तो कब से स्टार्ट किया गया इस चीज को, तो 1996 से। ध्यान रखना उससे पहले जो है महात्मा गांधी नोटों पर नहीं हुआ करते थे, पहले ऐसे नॉर्मल ही जो हमारे जो हेरिटेज प्लेसेस है उनको दिखाया जाता था, उन सब चीजों को यहाँ पे दिखाया जाता था। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बजट मेंशन। देखो बजट जो हमारा है, यहाँ पर बजट लिखा नहीं गया, उसको यहाँ पे दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में, मतलब इसका नाम चेंज है, वार्षिक वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल ईयरली रिपोर्ट की बात की जा रही, वहां पे इस प्रकार से कुछ मेंशन है, वहां पे बजट नहीं लिखा गया। देखिए किस आर्टिकल में आपका है, 112 जो अनुच्छेद है उसमें है, 110 आपका कहता है धन विधेयक यानी मनी बिल से आपका रिलेट करता है, और 108 वो आपका आर्टिकल है जिसके तहत जो है कह सकते हैं कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुलाता है जब भी जरूरत कभी पड़ती है, 124 आपका सुप्रीम कोर्ट है। हड्डियों में सर्वाधिक प्रचुरता किस तत्व की होती है, विच एलिमेंट इज मोस्ट अवेंट इन बोन्स। हड्डियों में सबसे ज्यादा जो किसी की अगर प्रचुरता होती है, अधिकता होती है, तो किसकी होती है, फास्फोरस की होती है, 75% फास्फोरस होता है, ठीक है ध्यान रखना है, 75% फास्फोरस होता है। नेफ्रॉन किसकी इकाई, नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ वॉट भैया, किसकी इकाई है, नेफ्रॉन जो है आपका वृक्क से यानी किडनी से जुड़ा हुआ शब्द है, इसकी इकाई है, तो ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका आखिरी प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब आप लोग करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट उत्तर करेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से सरीसृप नहीं है, नॉन ऑफ दीज आर रेप्टाइल। देखो पहले तो सरसृप छोड़ दीजिए, पहले ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये सभी जो है आपके क्या है, रेड डाटा लिस्ट में है, रेड बुक में आपके हैं, यानी ये सब जो है विलुप्ति की कगार पर है, इसलिए इनका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो घड़ियाल भी, कछुआ भी, हॉर्नबिल भी, अजगर सभी जो विलुप्ति की कगार पर है, लेकिन इसमें से हॉर्नबिल क्या है, एक पक्षी है, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है आपका नागालैंड में, तो ये भी ध्यान रखना है, हॉर्नबिल इसमें सरसृप नहीं है, पक्षी है, इसलिए ये क्या हो गई, डिफरेंस हो गई। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं इसका जो है पीडीएफ आपको बीच आंसर की डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहां पे आप जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम बीता से सर, थैंक यू।